दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे आपकी छींकों के बारे में और इसके कारण और इलाज के बारे में। जो आपको सुबह सुबह बहुत सारी छींकें आती हैं, तो मैं इसी तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं छींकों के बारे में कि आपको सुबह सुबह इतनी सारी छींकें क्यों आती हैं। एक दो छींकें नहीं, बल्कि आप लगातार 10 से 15 छींके करते हैं और देखिए सामने वाले घबरा जाते हैं, घर वाले भी, कह रहे हो क्या गया है, कोई इसको बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। पर एक्चुअल में ये परेशानी का कारण है। आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, अभी पैर आपने नीचे रखा नहीं, बाथरूम तक गए नहीं और लगातार आपने छींकना शुरू कर दिया और साथ साथ आपको कई बार नाक से पानी आ जाता है और कई बार अगर छींकें इंटेंस होती हैं तो आपको नाक से खून भी आ जाता है, जो और एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ कि इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी इन लगातार आने वाली छींकों से छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है एलर्जी। आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, आपको ठंड से एलर्जी हो सकती है, आपके घर में कभी धूल, जैसे साफ सफाई हो रही है उससे एलर्जी हो सकती है, कई बार कपड़े अगर पुराने रखे होते हैं उससे एलर्जी हो सकती है, आपको सुबह उठ के परफ्यूम से, साबुन से, इनमें से किसी चीज़ से भी आपको एलर्जी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ये होता है सर्दी गर्म के कारण, कि जब मौसम बदल रहा होता है या जब सुबह के समय थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो आपका शरीर उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाता और आपको लगातार छींकें आने लगती हैं, क्योंकि आपका नाक एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत जल्दी सेंस करता है चीज़ों को, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक में इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो ये इसके कुछ कारण है। कुछ दवाइयों के कारण भी ऐसा हो सकता है और आपकी डाइटरी हैबिट के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए, कारण कुछ भी हो, जो मैं आपको ये दो रेमेडीज बताने वाला हूँ, जिसमें एक तो प्योरली घर का बना हुआ नुस्खा है और एक आपको मैं मेडिकेशन बताऊंगा, हर्बल मेडिकेशन लास्ट में, जो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको छींकों की समस्या दूर हो जाएगी, एलर्जिक राइनाइटिस में भी इससे आपको फायदा मिलेगा, या अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम कोल्ड होता है उसमें फायदा मिलेगा, अगर आप क्रॉनिक साइनोसाइटिस के मरीज हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो समझ लेते हैं कि भाई ये कौन सी रेमेडी है। इसमें सिर्फ देखिए दो ही इंग्रेडिएंट है, एक इंग्रेडिएंट है दूध, तो 250 ग्राम आप दूध ले लेंगे और दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पिसी हुई हल्दी है, जो पाउडर आप घर में यूज करते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करता है, हमें नहीं पता कि उसमें कोई मिलावट है या नहीं है, तो आपको उसमें प्योर हल्दी लेनी पड़ेगी। अब उसके दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप साबुत हल्दी किसी पंसारी की दुकान से ले लें, मिल जाएगी, और छोटा सा एक टुकड़ा उसको अच्छे से कूट ले, या उसको गीला भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसको कूट के इस दूध में डालिए, 250 ग्राम दूध में, और उसको उतनी देर तक उबालिए कि ये 3/4 रह जाए। अब इसको आप छान लीजिए और रोजाना सुबह आप इसको करीब 2 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, 3 हफ्ते तक जाएंगे तो और बेहतर रहेगा, मगर आपको 1 हफ्ते के बाद ही इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक गिलास आज दूध पिया तो कल से आप ठीक हो जाएंगे, उस समय आप कोई एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआती 2-3 दिनों में साथ में। तो उसको आप सुबह खाली पेट पियेंगे, खाली पेट पियेंगे तो एक तो आपका पेट भी साफ होगा, डाइजेशन भी ठीक रहेगा, और हल्दी के जो अपने गुण होते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और भी बहुत सारे इसके बहुत फायदे होते हैं, वो भी आपको इससे फायदे मिलेंगे। दूसरा देखिए, अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है जो खेत से उग के आती है, वो बेस्ट रिजल्ट देती है। उसके लिए क्या होगा, आप कच्ची हल्दी का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उसको छील लेंगे और उसको अदरक की तरह कूट के उसी तरीके से इस दूध में डाल के 250 ग्राम उबालेंगे, सेम जब 3/4 ये दूध रह जाएगा, इसको सुबह खाली पेट, इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। और देखिए, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इस काम को आप शाम कर लें, रात को सोते समय अगर आप ये दूध पियेंगे तो आपका ये वजन बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो ऐसे लोग जिनको वजन बढ़ाने की जरूरत है वो इस हल्दी के दूध को रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया होम रेमेडी। अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको मेडिकेशन क्या लेना है। बहुत ही आसान है, एक आती है दवाई जो किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी स्टोर पे आपको मिल जाएगी, जिसको कहते हैं इत्रिफल शायत्रा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसका फोटो भी लगा देता हूँ और इसका नाम भी आपको दिख रहा होगा। तो आप किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल स्टोर से जाके इसको आप खरीद लीजिए, आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन वगैरह से भी मिल सकती है। इस दवाई का आपको सुबह शाम 7 ग्राम सुबह और 7 ग्राम शाम को, करीब 1/4 एक चम्मच के बराबर ये दवाई होगी, इसको गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना
और रात को खाने से करीब एक घंटा पहले लेना, लेकिन ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी कम से कम 45 डेज। 20-22 दिन आप लेंगे ये दूध हल्दी वाला, और उसके साथ कंटिन्यूएशन में ये रखेंगे साथ में, और अगले और 2-3 हफ्ते तक आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको इस रेमेडी से कितना फायदा मिलने वाला है। आपकी सुबह आने वाली जो लगातार छींकें आती हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, और जल्दी जल्दी होने वाले सर्दी जुकाम से भी छुटकारा मिलेगा। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जल्दी जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उनसे भी आपको काफ़ी हद तक बचाव देंगी ये दोनों रेमेडीज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वाकई अच्छी लगी हो, तब इसे बाकी लोगों से ज़रूर शेयर करें सो दैट उनको फ़ायदा मिल जाए। और देखिए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।